हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। जिला कलेक्टर ने सिटी डेवलपमेंट कमेटी गठित कर पाली सौंदर्यकरण और अतिक्रमण को हटाकर रास्ता छोड़ा व आने जाने वालों को राहत मिल सके सवेरे से शहर में किया निरीक्षण। पाली समिति के सदस्य शहर का भ्रमण कर सौंदर्यकरण में ट्रैफिक व्यवस्था के साथ साफ सफाई पर विशेष ध्यान देते हुए शहर को सुंदर बनाने के लिए उन्होंने कहा कि वर्तमान में शहर में जो व्यवस्थाएं चल रही हैं, सौंदर्यकरण में अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए समिति के सदस्य प्रस्ताव दिए। जिला कलेक्टर स्वयं शहर का विजिट कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया। उन्होंने कहा कि शहर में यातायात व्यवस्था, अतिक्रमण के मामले, बिजली, पानी, चौराहों की स्थिति, रूढ़ीप के कार्य, सिवरेज व्यवस्था, साफ सफाई का निरीक्षण किया गया। उन्होंने कमेटी के सदस्यों को निर्देश दिए कि वे हर 15 दिन में शहर की व्यवस्थाओं में हुए सुधार में हुई प्रगति की निरंतर समीक्षा करेंगे। समिति द्वारा भ्रमण में सुव्यवस्थित विकास, ट्रैफिक मैनेजमेंट, स्वच्छता, शहर के विकास की संभावनाओं आदि के संबंध में रिपोर्ट तैयार कर कार्रवाई की जाएगी। कमेटी सदस्य सिटी डेवलपमेंट कमेटी में नगर सचिव न्यास के अध्यक्ष व जिला कलेक्टर नमित मेहता, डिस्कॉम के अधीक्षण अभियंता, पीडब्ल्यूडी अधीक्षक अभियंता, उपखंड अधिकारी, जिला परिवहन अधिकारी, उप पुलिस अधीक्षक, सहायक निदेशक, उद्यान सदस्य होंगे। नगर परिषद आयुक्त को सदस्य सचिव बनाया गया है। जागरूक टीवी की पाली से दिनेश चौहान की रिपोर्ट।